मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग, विच इज चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सबसे पहले बेटा हमें ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। अगर हमें कोई ग्राफ दिया है तो हम ग्राफ कैसे पढ़ेंगे उसे देखेंगे। इसके बाद हम ग्राफ बनाना सीखेंगे और उसके बाद हम आगे प्रोबेबिलिटी देखेंगे। हमारा 3 हो गया था, अब हम आए हैं एक्सरसाइज 3.3 में। और एक्सरसाइज 3.3 में पहला जो क्वेश्चन है पढ़ेंगे, इसमें लिखा है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बार ग्राफ का यूज करेंगे तो ये हमारा बार ग्राफ है, देखिए आप दिख रहा होगा सभी बच्चों को। तो बार ग्राफ में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है विच इज मोस्ट पॉपुलर पेट एंड हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैव डॉग एज पेट। हम ग्राफ देखें सबसे पहले, तो ग्राफ देखो पेट ओन बाई स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे डॉग्स, कैट, रैबिट, हैमस्टर एंड अदर, ये एनिमल्स के नाम हैं। और ऊपर साइड देखिए बगल में ग्राफ बना हुआ, लाइनें खींची हुई हैं, हमें इसे देख के आंसर देना है। अब देखिए कैसे आंसर देना है। सबसे पहले उसने पूछा है कौन सा मोस्ट पॉपुलर पेट है, तो हम सबसे पहले पेट्स का काउंटिंग करेंगे। तो डॉग कितने बेटा, 8, कैट 10, रैबिट 2, हैमस्टर, कैसे कर रहे हैं हम काउंटिंग देखिए, यहाँ पे लेबलिंग है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेबलिंग है, थोड़ा बता देता हूँ तो आपको और दिखाई दे। अब लेबलिंग इस साइड लेबल बने हुए हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 बना हुआ है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे है डॉग्स, कैट, रैबिट्स, हैमस्टर, अदर, ये कैटेगरी बनी है। अब ध्यान से देखें तो डॉग के ऊपर ये लाइन व्हाइट कलर किया हुआ है इन्होंने 8 तक, तो ये ग्राफ के अंदर इन्होंने व्हाइट रंग भरा हुआ है 10 तक, रैबिट 1 और हैमस्टर 6 प्लस 4+1 5 तक, और ये कितना 3 तक। इसमें सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा है, वही मोस्ट पॉपुलर पेट है। क्वेश्चन पूछा गया है विच इज मोस्ट पॉपुलर पेट, तो कौन सा मोस्ट पॉपुलर पेट है, तो ये देखने के लिए हम फिर वापस आए ग्राफ। हमने देखा सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, कैट का, तो सबसे बड़ा ग्राफ कैट का है, तो इसका मतलब कैट ही सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट है। इसके बाद पूछा है हाउ मैनी चिल्ड्रेन have dog as pet, dog कितने लोगों का pet है, तो dog का देखा हमने graph, dog का graph बना है 8 तक, तो dog के कितने pet, कितने लोगों का pet है dog, 8। इस तरीके से हम answer दे सकते हैं। अब इस तरीके से हम answer graph को देख के दे सकते हैं। अब हम graph बनाना सीखेंगे, तो graph बनाना शुरू करेंगे। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं ये हमारे पास क्लास है एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, और क्लास नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है 5th में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80। अब जब हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे बेटा तो उससे पहले हमें कुछ खास जरूरत पड़ेगी, और वो चीजें क्या की जरूरत पड़ेगी, वो है सबसे पहले हमारे पास ग्राफ में एक स्केल होना चाहिए। क्या जरूरत पड़ती है वो देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ में बनाते वक्त हमें सबसे पड़ेगी स्केल,
तो ग्राफ स्केल का मतलब इंस्ट्रूमेंट भी, और स्केल का दूसरा मतलब यह है कि किस कितना हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसको देखने के लिए हम एक काम करते हैं, नाउ हमारे पास उन्होंने क्लास दे दी, क्लास फिफ्थ में 135 बच्चे, सिक्स में 120, सेवन्थ में 95, एट्थ में 100, नाइन्थ में 90, टेंथ में 80। अगर ये बच्चे हमारे पास स्ट्रेंथ है तो सबसे पहले हमें देखें कि हमें प्लॉट क्या क्या करना है। देखो हमें ये नंबर को दिखाना है, 135 नंबर है, 120 है, 95 है, 100 है, 90 है, 80 है, ये नंबर दिखाने हैं हमें। अगर हमें ये नंबर दिखाने हैं तो हमने एक चीज़ देखी, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढो कौन सा है। सबसे हाईएस्ट नंबर है 135 और सबसे लोएस्ट नंबर है 80। तो हमें नंबर का रेंज हो गया 135 से 180 से 80। एक इसके 12 सेंटीमीटर मेरे, तो नंबर है 135, 125, 120, 95, 100, 90। बेटा करना क्या है, सबसे पहले हमेशा हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एंटिटीज हैं, यानी 6 तरह की एंट्री करनी है। आप अपना ग्राफ लें, और क्योंकि सबसे बड़ा 135, तो 135 है, तो अगर हम 135 को देखें तो 135 का अगर हम स्केल लें कि एक यूनिट को हम 10 मान लेते, 13.5 का एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो 13.5 को अगर हमको बनाना है और हम देखते हैं कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले 13 सेंटीमीटर नाप ले या 13 बॉक्सेस गिन ले। मैं ग्राफ यहाँ तक बनाऊंगा, तो मैंने सोचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मैंने ग्राफ यहाँ पे लिया। सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे। अच्छा यहाँ मैं यहाँ पे लाइन खींचूँ, यहाँ खींचूँ, यहाँ खींचूँ, इसको डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास इंटाइटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 क्लास दिखानी है, तो हमारे पास 12 जगह होनी चाहिए। तो हमने 12 जगह ली, कैसे ली 12 जगह, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, तो मुझे मेरे ख्याल से कुछ क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 11 12, हमें 6 चाहिए था, हमने 12 किया, और अब स्केलिंग करेंगे। सबसे पहले हमने एक वर्टिकल लाइन खींची और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, अब सबसे पहले क्या करना है, दोनों में एक एरो बना देना है। ठीक, अब स्केल, अब यहां से हमारा शुरू होता है। सबसे पहले देखिए क्लास, क्लास को मैंने यहां लिख दिया क्लास, और यहां नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आज बेटा थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ग्राफ पढ़ाना था, और हम मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं, मोबाइल पे इतना क्लैरिटी नहीं होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब साफ दिख रहा होगा आप लोगों को,
ठीक है, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख लिए, इधर क्लास लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखो पहली रीडिंग पढ़ेंगे। पहली रीडिंग कितनी थी, 135। तो 135 को हम क्या करें, तो सबको हमने स्केल लिखा, तो हम स्केल यहाँ लिखेंगे कॉर्नर में, और हमने लिखा स्केल, फिर लिखा वन, क्योंकि इसको वन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि सेंटीमीटर बने हुए, और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं वन यूनिट इज इक्वल टू, हमने एक यूनिट जो ये डब्बा है इसमें हमने सोचा है कितने 10 बच्चे इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन, ये ऐसे लिख देंगे। स्केल अगर नहीं लिखा है तो ग्राफ में नंबर कटते हैं इसके बेटा। तो सबसे पहले वन यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन लिख दिया आपने। अब ये देखिए 10 है, तो अब हम सारे नंबरों को 10 से डिवाइड कर लेंगे। 10th में 80 था, तो 10 से डिवाइड किया तो कितना आया 8। 9th में 90 था, डिवाइड किया 10 से आया 9। 8th में क्या था 10, 100 था, 10 से डिवाइड किया 10। 7th में 95 था, डिवाइड किया 9.5। 12th था तो वो हो गया 12, 120 था 12 हो गया। इसके बाद 5th में 135 था तो 13.5 हो गया। अब इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए क्या किया मैंने, यहाँ 0 रखा बेटा, और इसके बाद यहाँ अब देखो यूनिट कितनी ली थी 10 की, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, 0 10 फिर क्या लिखे 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 और 140। मैंने 140 तक बना लिया। 140 तक क्यों बनाया, क्योंकि 135 रीडिंग लेना है, इसलिए हमने 140 तक बनाया। इसके बाद देखिए तो स्ट्रैंड है एक, ये एक यूनिट का, उसको मैंने लिखा फिफ्थ। फिर उसका एक स्ट्रैंड खाली छोड़ा, स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड छोड़ के फिर लिखा सिक्स्थ। फिर एक ग्राफ का जगह एक सेंटीमीटर छोड़ी, फिर लिखा सेवेंथ। फिर सेवेंथ के बाद जगह छोड़ी, लिखा एट्थ। फिर जगह छोड़ी, फिर लिखा नाइन्थ। फिर लिखा टेंथ। मैंने सारे वो लिख लिए। अब सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो ड्राइंग करेंगे ना, उसमें एक खास बात का क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऊपर की लाइन खींच लो। अब कैसे वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले हमने फिफ्थ में देखा 135 लिखा था, फिफ्थ में 135 यानी 13.5 बताने के लिए क्या किया, 130 और 140 के बीच में, तो 130 और 140 के बीच में लाइन हो गई ये, यहां मैंने डॉट लगा लिया। कोई भी लाइन है ना हाथ से नहीं खींचेंगे, हाथ से फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करेंगे, हमेशा स्केल रख के, आपके पास ग्राफ भी है तो भी सीधे करेंगे। अब इसको क्या करें, यहां से ज्वाइन कर लें, कई बार इसमें फिफ्थ लिख देते हैं, कई बार इसमें हमें जो एंटिटी दी होती है फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, ये हम इसमें लिख देते हैं बेटा, वो गलत है। ऊपर वैल्यू लिख देते हैं वो भी गलत है। ग्राफ बिल्कुल साफ सुथरा बनना चाहिए। क्या था सिक्स का 12 यूनिट, तो 12 यूनिट चलते हैं, 12 कहाँ है यहाँ पे है, तो फिर वही हमने क्या किया 12 का, सबसे पहले इधर एक पॉइंट, एक इधर पॉइंट, फिर हमने स्केल लगाया बेटा, स्केल लगा के इसको जोड़ेंगे। एक बार जोड़ लिया आपने, से आराम से स्केल से नीचे ले जाएंगे, इसके बाद सेवेंथ में है 9.5, तो 90 और 100 के बीच में, देखो 90 ये था 100 ये था, 90 देखो 100 कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है 100 और यहाँ पे आ रहा है 90, इन दोनों के बीच वाली ग्रिड पे देखो 5 की एक अलग लाइन होती है, उसको सिंपल यहाँ से जोड़ लेना है। आपको मैंने पिछले बार ही बता दिया था कि ग्राफ पे पढ़ाएंगे अगली बार,
आप लोग ग्राफ लेके आए होंगे और प्रैक्टिकल फाइल के पीछे भी मिल जाता है ग्राफ 9.5। अब 8, 10 पे जाएंगे, और इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे। ये हमारा 8th का ग्राफ हो गया, जिसकी एंट्री कितनी है 100, 9th का 9, 9th क्लास का 9 स्केल तक, फिर हमारे पास 10th का है 8 तक। आप कहीं भी पेशेंस से बनाए बेटा, और जल्दीबाजी में स्केल को भूलकर जल्दी से काम करके फर्स्ट आ जाए, ऐसा गलत होता है। ये आपका ग्राफ बन गया। ग्राफ बनने के बाद आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं, और चाहे तो कलर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सीधा भी रख सकते हैं। नीचे हटाने दे, चलिए पहला थर्ड का बन डालिया होगा बेटा। ये सिंगल ग्राफ है क्योंकि इसमें हमने किसी भी एक एंट्री के उसमें हमने एक ही ग्राफ बनाया है, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल ग्राफ। अब आएगा हमें डबल ग्राफ। डबल ग्राफ बनाएंगे किस तरीके से, उसका क्वेश्चन होता है इस तरीके से। इसमें दो दो ग्राफ दिख रहे हैं एक साथ, ठीक है, एक ही एंट्री है, इंग्लिश में है, फर्स्ट टर्म में बच्चे के 67 नंबर आए, ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म में बच्चे के आए 67 नंबर, दूसरे टर्म में आए 72, थर्ड टर्म में आए 88, इसके 81 और 73, इसमें 70, 65, 90, 85, 75 हमारे पास नंबर आ गए। अब ये देखिए कि इनको ग्राफ बनाना है, तो हमारे पास सबसे पहले ही कितनी एंटिटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एंट्री हैं, तो हमें 5 2 10 जगह चाहिए, 5 2 10 जगह चाहिए। अब 5 2 10 जगह हमें चाहिए भी, और साथ में हमें क्या करना है, ऊंचाई कितनी चाहिए। तो देखा हमने 95 सबसे बड़ी रीडिंग है, तो अगर मैं स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 लूंगा तो मुझे हाईएस्ट 9 ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं गिना 9 ब्लॉक्स कहां से मेरे नीचे हो सकते हैं, तो मैंने गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैंने यहां लिया। और अब इधर कहां लेंगे चौड़ाई में, तो इसके लिए देखने के लिए क्या किया हमने कि भाई हम चौड़ा कितना लें, चौड़े के लिए हम क्या करेंगे फिर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 10 क्यों लिया भाई, 10 इसलिए लिया क्योंकि 10 हमारा, हमको 10 से फायदा क्या है,
क्योंकि हमारे पास फाइव है, एक एक जगह छोड़ेंगे तो हमें डबल जगह जरूरत पड़ेगी। अब हमने लाइनिंग शुरू की। ये किस तरह का ग्राफ है? डबल ग्राफ। तो सबसे पहले लाइन बनाएंगे, अब देखिए सबसे पहले इनका नाम लिखते हैं। तो हम इस तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इस तरफ हमने लिख दिया मार्क्स। इधर लिखेंगे हम सब्जेक्ट्स। अब इसके बाद हम मार्क्स और सब्जेक्ट लिखने के बाद अब हम इनकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? स्केल। तो मैंने लिखा स्केल वन यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, पहले स्केल लिख दिया वन यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। अब स्केल सबसे पहले यहाँ कॉर्नर में लिख दिया है। अब स्केल के बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे क्योंकि 10 लिया है तो हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, बहुत मज़ेदार है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल भी है। हमने लिखा क्योंकि एंट्री तो इंग्लिश ही है केवल, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की जगह लिखी और यहाँ लिखी। इंग्लिश, फिर इंग्लिश के बाद लिखा हिंदी, हिंदी के बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद साइंस, साइंस के बाद सोशल साइंस। जब हमने बना लिया इस तरीके से बेटा, तो सबसे पहले यहां पे ना आधा ही ग्राफ लेना है। देखो फर्स्ट टर्म के लिए 67 है और 70 है, तो हम 67 लेंगे फर्स्ट टर्म के लिए। तो 60 तो ये हो गया, छोटे छोटे वाले गिनेंगे तो 5, 6, 7। पहले अच्छे से गिन लें 5, 6, 7। यहाँ पे वो लगा दिया बिंदी आपने और यहाँ पे लगा दिया और 70 तो ऊपर है, ये 70 लगा दिया। अब ये करना कैसे है? इसको इसमें एक ही में दो ग्राफ बनाने, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींची, फिर दूसरी लाइन खींची और फिर तीसरी लाइन खींची आपने और ग्राफ को जोड़ दिया। जैसे ही आपने ग्राफ को जोड़ा, देखिए इसमें दो ग्राफ बन गए इंग्लिश के। अब क्या है, हमें ये बताना है कि ये दोनों ग्राफ अलग अलग है। इसके लिए हम फिर वो बनाएंगे। अब हम जो भी कुछ करेंगे उसका एक हमको सिंबल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले सिंबल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमने कुछ कलर्स सेलेक्ट कर लिए कि हम ये कलर्स यूज करेंगे। तो हमने एक यूज किया है ग्रीन कलर और एक यूज किया है पिंक कलर या रेड, ले लीजिए आप जो आपके पास कलर अवेलेबल है वो लीजिए।
बनाएंगे कैसे, हम यहीं पे स्केल के बगल में एक डब्बा बनाएंगे, ऐसे एक छोटा सा डब्बा बनाएंगे और एक कलर इसका कर देंगे, एक कलर पहले डब्बे का इसका कर देंगे। हमने कर दिया के बाद बेटा इनके सामने लिखेंगे ये किस है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा पिंक कलर फर्स्ट टर्म के लिए, पिंक कलर का मतलब होगा फर्स्ट टर्म और ग्रीन कलर का मतलब होगा सेकंड टर्म। अब क्या करें, हमने फर्स्ट टर्म इसमें कहां बनाया है, फर्स्ट टर्म इसमें कौन सा है, इसमें से फर्स्ट टर्म 67 वाला है ये पहले वाला, तो इसको हम पिंक कलर से कलर कर देंगे। और दूसरा क्या था कलर हमारा, ग्रीन सेकंड टर्म के लिए, तो हम सेकंड टर्म के लिए ग्रीन कलर का यूज। और इस तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा फर्स्ट एंट्री का डबल ग्राफ। इसी तरीके से दूसरा करेंगे, हिंदी में करेंगे या फटाफट करेंगे, क्योंकि अब हमें 72 हो गया, इसके बाद 65 में 60 और 565। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे फटाफट। और फटाफट इसको कलर भी कर लेंगे। इस तरह से अगर आप लाइन स्केल का यूज करके बनाएंगे तो थोड़ा अप्रोप्रिएट बन, देखिए इसमें थोड़ा सा ब्लर सा हो गया, इसमें बिल्कुल बराबर लाइनें आती हैं, वो अच्छा लगता है। मैथ्स 88, मैथ्स में 88 मीन्स 80 और 8, ये रहा 80 और 8। और 95, ये बच्चा तो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और इसका फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ ही लगता है, हाईएस्ट नंबर मैथ में ही आए हैं उसके। अब देखिए सबसे पहले वाले को पिंक कलर से कर देंगे शेड, और दूसरे वाले को ग्रीन से। फिर साइंस का नंबर आ गया, साइंस में 81 जाएंगे, फिर एक कदम ऊपर 81 और उसका 85। इस डबल का क्या यूज है अभी हम आगे ये भी सीखेंगे, एक बार इसको पालें। बनाते वक्त बहुत ही धैर्य से बनाएं बेटा, थोड़ा सा आपका जल्दीपन सारी चीजों को खराब कर सकता है, क्योंकि बेटा और ये मैथमेटिकल ड्राइंग है, कोई ऐसा नहीं है कि चलेगा। इसमें स्केल्स होते हैं, रेशियोज होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाओ और जल्दी जल्दी बना के फुर्सत कर दो। नेक्स्ट बनाइए 73 एंड 75 यहाँ पे बेटा 1 2 3 73 यहाँ पे आएगा और 75 ठीक उसके ऊपर आएगा, थोड़ा ज्यादा पास ज्यादा दूर नहीं होगा। ग्राफ बेटा ग्रीन कलर है, इसी शायद थोड़ा ब्लरिंग हो रही है मेरे को पता है, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है सबको पता है,
मेरे घर के पास शॉप नहीं है, तो यही चल रहा है, ग्रीन कलर का ही है ग्राफ पेपर। एंड इसके बाद आते हैं ग्रीन का बना देते हैं, हो गया पूरा। ये हमारा बन गया ग्राफ। एक बार आपका ये पूरी तैयार हो गया, तो ये आपका पूरा हो गया बेटा। इसके बाद अब इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और वो क्वेश्चन पे हम देखेंगे क्या दे रखा है क्वेश्चन। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो दे रखा है इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब कहता है इसमें से सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किसमें मोस्ट, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस का फर्क आया है। इसको देखने के लिए हम ये देखेंगे कि हर डबल ग्राफ सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पे, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आया है। ये यहाँ पे हम ये देख लेंगे कि किसमें ज्यादा डिफरेंस है, भाई उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। अगर देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें थोड़ा ज्यादा अंतर है, इसमें भी अंतर, दोनों में ज्यादा अंतर है। तो हम इसमें एक चीज देख रहे, इसमें ज्यादा नंबर पहले थे बाद में कम आए, लेकिन इसमें कम से ज्यादा हुए, तो इसका मतलब इसमें परफॉर्मेंस बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा ना है कि काटने वाले का तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेंगे ना। तो हमने देखा क्या कि ये वाला इन दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंस था, इन डिफरेंस में भी इसमें बढ़ा है इसमें घटा है, तो इसका मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस में आया उसका। हमसे पूछा इन विच सब्जेक्ट चाइल्ड इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस द मोस्ट, द मोस्ट किस में हुई है, मैथ्स। इन विच सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट लिस्ट, लिस्ट इंप्रूवमेंट हुआ है। तनवीर अहमद अभी, वेरी गुड बेटा। राजेंद्र शकानी, अच्छा किसमें सबसे कम इंप्रूवमेंट हुआ है, तो हम देखेंगे इसमें डिफरेंस किसमें सबसे कम है। कम देखो इसमें इतना सा डिफरेंस दिख रहा है, इसमें थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इसमें सब तो सबसे कम किसमें हो गया, सोशल साइंस में। सोशल साइंस में देखो थोड़ा सा है, बिल्कुल ऐसे देखो में पता ही नहीं चल रहा, और इसमें साइंस इंग्लिश में गैप है, तो हो गया सोशल साइंस। किस में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, परफॉर्मेंस डाउन का मतलब हो गया पहले बड़ा था बाद में छोटा हो गया ग्राफ। देखो इसमें सिर्फ केवल केवल हिंदी, पहले ग्राफ बड़ा था और फिर छोटा हो गया, तो परफॉर्मेंस डाउन कितने हुआ हिंदी में। वेरी गुड, बच्चों ने काफी अच्छे आंसर दिए। इस तरीके से आप बेटा ग्राफ बना सकते हैं। ये डबल ग्राफ का एग्जांपल था, और ये था हमारा सिंगल ग्राफ का एग्जांपल। इस तरीके से दोनों एग्जांपल आपके पास हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, अब हम बनेंगे तो आइए प्रोबेबिलिटी लिए देखेंगे बेटा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इसको ऊपर करते हैं, हमारा टॉपिक है 3.4 पे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है,
वो समझे पहले। प्रोबेबिलिटी होती है मेजर ऑफ चांस, यानी कोई भी घटना घटे के कितने परसेंट चांस है, क्या चांस है, उसका मेजरमेंट कहलाता है प्रोबेबिलिटी। कैसे बस समझ सकते हैं, तीन बातें हैं। चलिए आप घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन के बाद आपने अपने दोस्त को फोन किया और आपका दोस्त ऊपर रहता है आपके घर के ठीक ऊपर और ऊपर रहता है, अपने आपने दोस्त को फोन किया कि राजेश घर आ जा, हम दोनों साथ में बैठ के लूडो खेलेंगे। तो अब तीन बातें हो सकती हैं, नंबर 1, 2, 3, या तो राजेश आएगा या राजेश नहीं आएगा, और तीसरी बात को आने ही नहीं दिया जाएगा। तीन चीजें हो गई ना, या तो राजेश आएगा या राजेश नहीं आएगा, राजेश नहीं दिया जाएगा, ऐसे इवेंट्स, ठीक है। तो हम इवेंट को तीन कैटेगरी में डिफाइन करेंगे, कौन कौन सी, फिर से देखें। सबसे पहले हम करेंगे जो सर्टेन है, आएगा भाई, आहो बिल्कुल निश्चित है, हमारे आसपास जो घटनाएं घटती है उसमें से सर्टेन इवेंट्स कौन कौन, सर्टेन, जैसे कल सुबह सूरज उगेगा, ये सर्टेन है, बिल्कुल 100% गारंटी है, ठीक है। अनसर्टेन, नॉन सर्टेन, जिसको हम कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसे को हम कहेंगे कैन हैपन, बट नॉट सर्टेन। लॉकडाउन चल रहा है, कल हमारे घर के पास सब्जी वाला आएगा, सब्जी वाला आता है, रोज आता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कल ही आएगा, हो सकता है पुलिस वाले उसे आने ही ना दे। तीसरा है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल मतलब जो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, कल सूरज नहीं उगेगा, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए सूरज नहीं उगेगा, तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो सर्टेन इवेंट है ये, है इम्पॉसिबल इवेंट है ये, जो है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी सारी प्रोबेबिलिटी सर्टेन और इम्पॉसिबल के बीच में होगी, या तो इंसिडेंट सर्टेन होता है या इम्पॉसिबल होता है या फिर उसके बीच में होता है, इसके अलावा तीन के अलावा प्रोबेबिलिटी में कोई कंडीशन नहीं होती। तो आओ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहला कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है यू आर ओल्डर देन यस्टरडे, आप कल से आज ज्यादा एज के हो गए हैं, सही है, आपकी एज पहले 360 डेज थी, आज 360 हो जाएगी, कल आपके 3008 थे तो आज 3001 डे होगा, तो आप ओल्डर हो गए, ये पक्का निश्चित बात है, इसको हम कहेंगे सर्टेन नहीं, पक्का है 100% गारंटी। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, अ टॉस्ड कॉइन इसी कोई गारंटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये कैसा इवेंट हो गया, ये पॉसिबल तो है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है, कैन हैपन हो सकता है लेकिन नॉट सर्टेन, ये नहीं है कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है, हाँ लेकिन ऐसा हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि हेड आएगा ही नहीं, ये कैसा था, सर्टेन था, पक्की बात है कल से आपकी एज ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, अ डाई व्हेन टॉस लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, अ डाई विथ
8 ऑन टॉप। जब हम उछालेंगे डाइस को तो उसके ऊपर 8 आएगा, ऐसा पूछा उसने। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डाई में कहां से कहां तक नंबर होते हैं? डाई में नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 1 से 6 तक, और 6 से ज्यादा नंबर होते नहीं। तो आपको पता होगा डाई विथ 8 पॉसिबल ही नहीं है, खत्म, ये इम्पॉसिबल है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगला पार्ट है, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अगली ट्रैफिक लाइट ग्रीन होगी, ग्रीन होगी, रेड होगी, वो तो डिपेंड करेगा ऑर्डर कहां पे है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कल क्लाउड होगा, हमें क्या पता। कैन हैपन नॉट सर्टेन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिया गया है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज देयर आर 6 मार्बल। हमारा 6 मार्बल है और 6 मार्बल में हमने क्या किया, नंबर लिख दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 मार्बल है हमारा, और 6 मार्बल में हमने नंबर दे दिया 1 to 6 तक। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल? अच्छा बेटा, इसको ऐसे लिख, देखो प्रोबेबिलिटी पी ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ड्रॉइंग मार्बल मार्क टू टू। अब जिसमें टू लिखा है, इसमें हमने बच्चे एक कपड़ा ढक दिया और हमने बच्चों का इसमें से उठा लो कोई भी एक मार्बल। अब बच्चे ने उठाया उसको, हमने इसको रैंडमली लगा दिया है। अब इसमें से बच्चे को हमने कहा टू उठाने के लिए, उसे तो कोई भी बॉल उठा सकता है। कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 6 ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमने 6 लगा दिया। और उसमें से 2 कितने आया है? 2 तो एक ही में आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन को। इसके बाद देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल मार्क 5 आना है। फिर वही, हम 6 मार्बल में से कोई भी चूज कर सकते हैं। 5 किस में लिखा है? 1 में लिखा है, एक ही में लिखा है ना सिर्फ 5, तो 1 out of 6। बस यही आंसर है आपके, फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। चलिए, हमारे पास एक कॉइन है और हमने कॉइन को उछाला। अब देखिए, जब हम कॉइन उछालेंगे तो हमारे पास आंसर 2 हो सकते हैं टॉस करने पे। कौन कौन से? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी टेल आ गया। अब आपने कहा कि हम तो भी हेड लेंगे, तो 2 बातें हो सकती है, या तो आप विन करेंगे या लूज करेंगे। जब आप विन और लूज करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 2, विन या लूज का। तो आउट ऑफ विन, प्रोबेबिलिटी फॉर विनिंग
जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आंसर दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो पॉसिबल आंसर हो गए 2 और जीतने के चांसेस कितने हैं? 1, तो आंसर हो गया 1/2। कर लीजिए, फिर मैं आपको एक आध मैजिक ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद फिर क्लास खत्म करेंगे। नोट कर लिया आपने? नोट कर ले तो फिर आपको एक बहुत बढ़िया सी मैजिक ट्रिक बताऊंगा। ओके, आपके पास अगर 2 डाइस है, डाइस तो आप जानते होंगे, आप खेलते भी हैं, अभी हमने बात भी की थी डाइस की, ये 2 डाइस रखे, ठीक है, इसके ऊपर भी एक डाइस बना देते, ये रखा है एक और डाइस, ठीक है, ऐसे 2 डाइस रखे हैं, ठीक, एक के ऊपर एक डाइस रखा है, ये वाला तो दिखेगा नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है इसका नंबर भी नहीं दिखेगा आपको, और इसमें कुछ नंबर लिखे हैं, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, और यहाँ पे 3 लिखा है, लेकिन 2 लिखा है, तो देखिए आप ना इसके चारों साइड देख सकते हैं, लेकिन आपको जो डाइस के सरफेसेस नहीं दिख रहे हैं वो फर्स्ट डाइस के नीचे वाला, सेकंड डाइस का टॉप, फर्स्ट डाइस का डी, डाइस 1 का बॉटम, ऊपर का टॉप और इसका बॉटम नहीं दिख रहा है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इनका सम कितना होगा जो नहीं दिख रहे हैं, जो नंबर्स हमें नहीं दिख रहे हैं? ऊपर 2 है, लेकिन बाकी जो नंबर नहीं दिख रहे हैं उनका टोटल बताना है। इसको हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में या अभी? बताइए अगर आपको आइडिया हो तो। चलिए मैं बताता हूँ आपको, जब आपको ऐसा निकालना हो कि जो डाइस के नंबर नहीं दिख रहे हैं वो निकाल दे हो, तो आप सबसे ऊपर वाले को फोकस करिए। ऊपर कितना है? 2, आप इसे 14 में से माइनस कर दीजिए 2, आपका आंसर आ जाएगा 12, इन सब का सम 12 होगा। और ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि एक डाइस के अपोजिट साइड का सम 7 और ऊपर डाइस के अपोजिट साइड का 7, दोनों को जोड़ने से कितना आता? 14, 14 में से हमने ऊपर वाली डाइस का नंबर माइनस कर दिया, तो बाकी बचे हुए डाइस का सम होगा 12। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। बेटा अगली क्लास मिलेंगे हम लोग, अगली क्लास हमारी सिंपल इक्वेशन की बहुत ही अच्छी क्लास है बेटा, सब लोग काम पूरा करते रहेंगे ताकि कॉपियों में भी काम रहेगा, तो आपको आगे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो ऑल द बेस्ट, इंजॉय करो, अपने घर पे रहो, सेफ रहो।